नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के सीआईए स्टाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने दो युवकों को 50 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गांजे की ये खेप आंध्र प्रदेश और उड़ीसा साइड से ये लोग लेकर आए थे। इनोवा गाड़ी के अपने मालिक सूरज भान तक ये नशे की खेप पहुँचाना जा रहे थे। डीएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपी मलकीत और विक्रम को 50 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल इनोवा गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। डीएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने कबूल लिया है कि दोनों अपने मालिक सूरज भान तक 50 किलोग्राम गांजे की खेप पहुंचाने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है। डीएसपी ने बताया कि गांजे की खेप की कीमत लाखों में है। फिलहाल सूरज भान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तीनों ही लोग किसी बड़ी गैंग के लिए काम करते हैं या फिर खुद के लिए नशे का धंधा करते हैं, इसके बारे में पुलिस अभी पड़ताल कर रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांगू की विशेष रिपोर्ट। हमारी जो सी आई टीम है भूपेंद्र सिंह एस आई के नेतृत्व में उड़ोपुर में नाका लगाकर दो व्यक्तियों का दिया है। एक का नाम मलकीत सिंह है और एक का नाम विक्रम सिंह, जो इनोवा गाड़ी में 50 किलोग्राम गांजा लेकर आया, जिन पर कब्जा किया है। पूछताछ में पता लगा कि जो ये गांजा है उनकी गाड़ी में क्योंकि यहाँ सप्लाई करने के लिए सोलह दुकान मामल एक व्यक्ति है, उसने और जो लेकर आए थे दो आदमी अरेस्ट हो गए। सोलह दुकान ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा साइड से। तो सर जो आरोपी हैं उनकी क्या पहचान है और किस गाड़ी में थे? ये इनोवा गाड़ी में थी। एक लड़का मलकीत है और एक लड़का विक्रम है। जो मलकीत है ये उसका ड्राइवर ही है। पहले भी कोई इन्वॉल्वमेंट रही है नशे का? अभी जब पुलिस रिपोर्ट चेक किए जा रहे हैं। तो क्या कीमत है सर की बता रहे हैं? अभी एग्जैक्ट लाखों में है इसकी कीमत एग्जैक्ट तो वो ये कोशिश तो करते ही है। ये इनका कोई गैंग है या ये दो ही लोग शामिल हैं? अभी तो तीन आदमी हैं, एक मालिक भी है इनका, तो ये बाकी इन्वेस्टिगेशन जो भी 50 किलोग्राम